गुड इवनिंग भाई लोग, आई एम अशोकन। मैं हूं अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा यूएफसी फैन। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अभी हबीब वर्सेस टोनी फर्गुसन का सुपर हिट फाइट के लिए बस एक ही महीना रह गया है और अप्रैल में यह फाइट होने वाला है। और नॉर्मली तो मैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैं हर एक फाइट के लिए प्रेडिक्शन करता हूं, मगर मैं इस फाइट के लिए प्रेडिक्शन नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रेडिक्शन कर नहीं पा रहा हूं। मैं खुद नहीं जानता कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों के दोनों फाइटर्स, बोथ हबीब और टोनी फर्गुसन, सुपर ड्यूपर फॉर्म में हैं। देखिए, जब क्रिकेट में जैसे हैं अपना तेंदुलकर फॉर्म में रहते हैं तो अपोजिट टीम का हालत खराब हो जाता है, वैसे ही कोहली जब फॉर्म में रहते हैं तो ऑपोजिट टीम का हालत खराब हो जाता है, जब सहवाग फॉर्म में रहते हैं तो ऑपोजिट टीम का हालत खराब हो जाता है, वैसे के वैसे ही इस फाइट में हबीब फॉर्म में है और टोनी फर्गुसन भी फॉर्म में है। तो कौन जीतेगा भाई, क्या होगा इस फाइट का रिजल्ट, कोई नहीं जानता। देखिए, मैं अभी एक बहुत ही मजेदार बात करता हूं आपसे। TMZ करके एक YouTube चैनल है, TMZ भी बोल सकते हैं, TMZ स्पोर्ट्स या फिर TMZ स्पोर्ट्स करके एक वेरी पॉपुलर YouTube चैनल है। तो इस चैनल में हबीब भाई साहब ने इंटरव्यू दिया है, तो वो एक्चुअली टोनी फर्गुसन के बारे में बात कर रहे हैं। हबीब कहते हैं, देखो मैं, मेरे जितने भी प्रीवियस फाइटर्स थे, ओपोनेंट्स थे, चाहे बारबोजा हो या फिर माइकल जॉनसन हो या फिर राफेल डोस एनियोस हो या फिर कॉनर हो, मैं उनको सीरियसली लेता तो था, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं इनको बीट कर सकता हूं, मैं इनको हरा सकता हूं, ये हबीब का कहना था। और फिर हबीब कहते हैं, मगर टोनी फर्गुसन के बारे में मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि टोनी फर्गुसन एक बहुत ही हाई क्लास, हाई लेवल सीरियस फाइटर है और वो एक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, वो कब क्या करे किसी का कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो मैं ये फाइट को बहुत सीरियसली ले रहा हूं और ये मेरी जिंदगी का सबसे सीरियस फाइट है, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये हबीब का कहना है। हाँ दोस्तों, हबीब खुद मानते हैं कि टोनी फर्गुसन उनके करियर का सबसे चैलेंजिंग फाइटर है और वो सही है, मैं बताता हूं क्यों। देखिए, अभी पहली बात तो हबीब इज एन ऑर्थोडॉक्स फाइटर। हाँ, हबीब इज अ हाई लेवल रेसलर, ही इज अ हाई लेवल ग्रैपलर, मगर देखिए ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि हबीब क्या करने वाले हैं हर एक फाइट में, ठीक है। वो थोड़ी देर अपने ओपोनेंट के साथ नाचेंगे खेलेंगे और फिर सडनली जैसे ही ध्यान हटा टेकडाउन करेंगे, नीचे ले जाएंगे और फिर पाउंड करेंगे, ठीक है। मगर टोनी फर्गुसन इज एन अनऑर्थोडॉक्स फाइटर। अभी अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हुआ, हर एक फाइट में जिस फाइटर का स्टाइल बदलते रहता है, किसी को पता नहीं रहता कि कब क्या होगा, ये अनऑर्थोडॉक्स हुआ। जैसे कि एंडरसन सिल्वा और जॉन जोन्स, ये ऐसे फाइटर हैं जो अनऑर्थोडॉक्स हैं, और टोनी फर्गुसन भी यही क्लास में आते हैं, वो कब क्या करेगा किसी का कुछ पता नहीं रहता। और हबीब खुद कहते हैं कि टोनी फर्गुसन, हाँ एक बहुत ही हाई लेवल फाइटर है, पर वो एक पागल का मतलब ये हुआ कि अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, कब क्या करेगा कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। अब हम थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि मैं बताता हूं कि ये फाइट इतना इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है। देखो, जैसे ही बेल बजेगा, जैसे ही फाइट स्टार्ट होगा, मैं उस कड़ी का इंतजार कर रहा हूं। देखिए कितना मजा आने वाला है, कितना 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 एक्साइटमेंट होने वाला है, क्यों बताऊं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होएगा, अभी मेरे को तो पता है हबीब, ठीक है, मेशर करेंगे, हबीब थोड़ा डांस करेंगे, खेलेंगे यहां वहां और पंच करेंगे, किक्स मारेंगे, और जैसे ही टोनी का ध्यान हटा, हबीब टेकडाउन के लिए जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या हबीब टोनी फर्गुसन को टेकडाउन कर पाएंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि टोनी फर्गुसन खुद एक हाई लेवल रेसलर है, उनका जुजुत्सु अच्छा है, और अगर हबीब टेकडाउन कर भी लेते हैं तो क्या टोनी फर्गुसन अपनी जुजुत्सु से एस्केप कर लेंगे। अगर एस्केप कर लेते हैं, एक दो बार अगर एस्केप कर लिया, तो शायद से हबीब का कॉन्फिडेंस नीचे आ सकता है, और अगर हबीब ने टेकडाउन करके पहले ही इंस्टेंस में उनको डोमिनेट कर दिया तो हबीब के पास गेम जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है,
और जैसे हबीब एक हाई लेवल ग्रैपलर हैं, टोनी फर्गुसन एक बहुत ही डिसेंट रेसलर हैं, उनका जुजुत्सु अच्छा है, बॉक्सिंग अच्छा है, उनका किक्स भी अच्छा है, तो टोनी फर्गुसन इज अ मोर ऑफ एन ऑलराउंड फाइटर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यार, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस फाइट में क्या होने वाला है, बस यार इतना कहना है कि बहुत 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 मजा आने वाला है ये, होपफुली ये फाइट होगा। पहले 4-5 बार कैंसिल हो गया था यार, इस बार जरूर होना चाहिए क्योंकि बहुत मजा आएगा। आपका क्या राय है, आप सुनाइए। बाय यार।